न्याय सुरक्षा योजना। हाँ, न्याय सुरक्षा का मतलब है जो मनुष्य का न्याय के बारे में बताए थे, उभय तृप्ति उसका केंद्र बिंदु है। टारगेट क्या है? उभय परस्पर तृप्ति। उसमें कहीं भी डिस्प्यूट आता है उसको तृप्ति बिंदु तक पहुंचा देना न्याय की मतलब है। और इस न्याय का न्याय को सुरक्षित कर रखना मतलब उस गांव में परिवार में अन्याय होने की कोई संभावना दूर दूर से भी आने से रोकना। ठीक है, जैसा ये कोई अव्यवस्था से घटित हो जाए, अव्यवस्था से मैंने परेशान ना हो, कोई अकस्मात प्राकृतिक परेशानियां हो गई उससे परेशानी ना हो, और इस सभी बातों से बचाते हुए चलने की विधि का नाम है सुरक्षा। ठीक है, और जो उत्पादनकारी में सुगमता को बनाए रखें सुरक्षा। ठीक है, ये सभी विधा में जो हम गांव पूरा एक सुरक्षा से घिरी हुई है, इससे अच्छा तो कोई बात हो नहीं सकती। तो सुरक्षा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, ऐसा मानता है महाराज। हाँ बताइए आगे। संविधान। हाँ, संविधान का मतलब, संविधान का मूल बिंदु है मानवतापूर्ण आचरण। क्या है? मानवतापूर्ण आचरण। मानवतापूर्ण आचरण ही संविधान का मौलिक अधिकार। ठीक है, तो स्वतंत्रता अधिकार का आधार इतने ही मानवतापूर्ण आचरण। उस आचरण को हर जगह में प्रयोग करने का स्वतंत्रता, यही संविधान है। ठीक है, विनिमय तो समझ में आ गए, ठीक है ना, शिक्षा समझ में आ गए, तो मानवतापूर्ण आचरण को हर जगह में हम आचरित करने की स्वतंत्रता। स्वत्व क्या चीज है? मानवतापूर्ण आचरण। जागृति, जागृति के आधार पर मानवतापूर्ण आचरण। मानवतापूर्ण आचरण को हर देश काल में उपयोग करने की स्वतंत्रता, इस आधार पर हम शुरू करते हैं। यह मानवीय ये कि इतिहास शुरू होने का ध्रुव बिंदु बन सकता है कि नहीं बन सकता है? आपका क्या सोचना? इस ढंग से बनता है, यही बनेगा। इसमें राजनीति बाबा। हाँ, राज्य का मतलब यह है बाबा, जो मनुष्य के पास तीन स्तरीय मैंने स्थितियां हैं। किस बात की? समझदारी की। एक समझदारी का स्तर को हम नाम दिया है और प्रबुद्धता। समझदारी बराबर प्रबुद्धता, ये आपको पटता है कि नहीं पटता है? विरोध होता है इसमें? समझदारी को प्रबुद्धता नाम दिया है। प्रबोधन करने योग्य, प्रमाणित करने योग्य अधिकार प्रबुद्धता। कोई अन्याय है? ये जरूरत है कि नहीं है? ऐसे प्रबुद्धता का मतलब होता है समझदारी। समझदारी के बारे में राम कथा हो चुकी है, ठीक है। प्रबुद्धता के बाद आता है संप्रभुता। पूर्णता के अर्थ में हमारा समझदारी को उपयोग करना, अर्थात न्याय समाधान को प्रमाणित करना, समृद्धि को प्रमाणित करना, सह अस्तित्व को प्रमाणित करना, ये क्या चीज है? संप्रभुता। अभी हम संप्रभुता को कैसा बताते हैं? सभी जगह में गलती नहीं करना। गलती नहीं करना क्या चीज, कहां से शुरू हुई? भगवान ईश्वर गलती नहीं करता, हर राजा गलती नहीं करता, गुरु जी गलती नहीं करते हैं। इन तीन जगह में संप्रभुता को पहचाना गया। क्या सुन रहे हो? ठीक से सुन रहे हो? ये गणतंत्र प्रणाली आई उस समय में इसके ऊपर चर्चा से हुई, राजा तो मर गए, अब ससुर संप्रभुता की कहाँ रहेगा पूछे। उसके बाद बताया गया उस समय की रिपोर्ट के अनुसार जो वोटर्स के पास रहेगा, बोले क्या वोटर के गलती नहीं करेगा, इसका गारंटी हो सकता है? नहीं हो सकता। तब क्या होगा? तब वो संप्रभुता को पहचाना, वोट देते समय में वोटर गलती नहीं करेगा, आज के संप्रभुता यहां रखा है। आप समझ गए? इसको भी आप समझे रहना आवश्यक है।
इसीलिए वोट नहीं दिया। ठीक है, वोट देते समय में वोटर गलती नहीं करता, यही कुल मिलाकर के संप्रभुता का मतलब है। बाकी ये तय नहीं हुआ, राष्ट्रपति नहीं गलती करता, प्राइम मिनिस्टर गलती नहीं करता, ये कोई चीज तय नहीं हो पाया, तय नहीं हो पाया। उसी आधार पर जो इंदिरा गांधी के समय में आता, प्राइम मिनिस्टर पर, पार्टी के अध्यक्ष पर मुकदमा नहीं चलना चाहिए, वो रेजोल्यूशन एक पारित किया, जनता पार्टी आई उसको कैंसिल कर दिया। ये सब बात आपके सामने गुजरी हुई इतिहास हैं, कथाएं हैं, ठीक समझ में आता है ये? तो अभी संप्रभुता का मतलब वहां रखा है, हम क्या कर रहे हैं, समझदारी को समझे, जो हम व्यवस्था में प्रमाणित करना संप्रभुता है, सही करना बराबर संप्रभुता है, अपन कह रहे हैं। क्या चीज है वो, जो हम पूर्णता के अर्थ में है ना, प्रबुद्धता को प्रयोग करना। पूर्णता क्या है, क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता के अर्थ में हम प्रबुद्धता को प्रयोग करना, यही यह हुआ संप्रभुता, ऐसा लिखा है। ये आवश्यक है कि नहीं, आवश्यक बोलिए सर, इस ढंग से आता है। ठीक है प्रभु, आगे आगे तो राजनीति से इसको जोड़ दीजिए, वही संविधान हो गया ना, वो राजनीति में राज्य क्या होता है, वैभव, मानव का वैभव, मानव का वैभव बताया, मैंने मानवीयता पूर्ण आचरण, मानवीयता पूर्ण आचरण को मैंने सर्वदेश काल में उपयोग करना मौलिक अधिकार, यही संप्रभुता का आधार है। यह बताया राज्य का मतलब, मैंने सही कार्य व्यवहार करना ही राज्य है। ठीक है ना, उसमें जो मूल चरित्र नैतिकता तीन बताया है, तन मन धन रूपी अर्थ को सदुपयोग सुरक्षा करना ही नैतिकता है, ये बात को अपन कह चुके हैं। ये इस ढंग से मानव जो है ना, अपना मौलिक अधिकार पूर्वक संप्रभुता को है ना प्रमाणित कर लेना है, मानव का वैभव सही ढंग से इसको उपयोग कर प्रमाणित कर देना, पहचान दे देना है संप्रभुता। यह लिखा, हर व्यक्ति इसको आचरण में ला सकता है। ठीक, संप्रभुता संपन्न व्यक्तित्व तो हो सकता है। ठीक है, अभी किस किस को वोट देने का है? अभी जो है, अभी संप्रभुता संपन्न राज्य है, ऐसा राज्य कहां से राज्य भाजी कहां से चंडाल चौकड़ी राज्य है, अभी कहां तुम लगाए पड़े हो? संविधान में तो ऐसा लिखा नहीं, संविधान में वो लिखा है ना भाई, वोटर वोट देते समय में गलती नहीं करता। बाकी लोग चंडाल चौकड़ी करें, वोटर नहीं करेगा, वोटर वोट देते समय में नहीं करता, बाकी समय में करते ही है, मिलिट्री को भी अधिकार नहीं। क्या चीज, क्या मिलिट्री को, मिलिट्री जो होता है हाँ जो इसको जो सीमा सुरक्षा बल की जो बात कही गई है, उसका मानसिकता है संविधान में ये व्यक्त किया है, देश के पड़ोसी देश होते हैं, पड़ोसी देश कभी भी हमारे ऊपर आक्रमण कर सकते हैं, इसीलिए युद्ध से युद्ध को रोकने की व्यवस्था देना है। राज्य व्यवस्था में सीमा सुरक्षा बल के सीमा सुरक्षा के संबंध में निर्णय यही है। ठीक है, और देश में हर व्यक्ति अपराध कर सकता है, गलती कर सकता है, इसीलिए गलती से गलती को रोकना है, अपराध से अपराध को रोकना है, ये जो मैंने कुल मिलाकर के दंड व्यवस्था का मतलब ऐसा लिखा हुआ है। और क्या चाहते हो? ठीक है, इस ढंग से मजे की बात है ये सब। ठीक है, गलती से गलती को रोको, अपराध से अपराध को रोको, युद्ध से युद्ध को रोको, ये शक्ति केंद्रित शासन संविधान का मकसद यही है।